Triangle or rectangle. A rectangle has length. A rectangle has length 8 meter and diagonal of 10 meter. And diagonal of 10 meter. Diagonal of 10 meter. Full stop. Full stop. What is area and perimeter of rectangle? What is area and perimeter of rectangle? Chalo. A rectangle has length 8 meter and diagonal 10 meter. Solution. A rectangle has a length of 8 meter. Let me draw a rectangle. This is a rectangle. Has length 8 meter. Length 8 meter. Diagonal. This is diagonal. 10 meter. 10 meter. What is the area and perimeter? So do you know breadth? Breadth we don't know. Length you know. Bachcha, tell me. Length you know. Breadth you don't know. Diagonal you know. Can you tell me what to do? Can you tell me what to do? How to do? How to solve this? Come on. I want to see a reply. Only one bachcha is replying. Come on. You can think. You know. It is taught to you. Only one kid is replying. Mr. Bhatt. Only Bhatt is replying. Others are finding it so difficult. Dhriti wrong. Correct. Shivraj answer is correct. Come on, others tell. Width or breadth both are same. Come on, tell. अरे यार, others are not participating. It means they are struggling with understanding. क्या हमने पाइथागोरस थ्योरम नहीं किया था? क्या हमने पाइथागोरस थ्योरम नहीं किया था? शॉर्ट में लिख रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम हमने किया था ना. हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, वेयर हाइपोटेनियस इज 10 का स्क्वायर. ऑपोजिट इज 8 का स्क्वायर. This is adjacent. Correct or no? This is hypotenuse. We are done रे. This is opposite. कि हमने ये सब किया था ना रे. ऐसा क्यों करता है? Correct? Adjacent का square 100. तो 8 का square 60. 8 का square 64 plus adjacent का square. ये इधर गया. 100 में से 64 गया. इधर adjacent का square. 100 में से 64 गया, यानी क्या? 36 इज एडजेसेंट का स्क्वायर. तो एडजेसेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ 36. सो एडजेसेंट में शॉर्टकट लिखा एडीजे. रियल में क्या है? एडजेसेंट है. ओके, स्क्वायर रूट 6 मीटर. करेक्ट. आया समझ में? क्योंकि एडजेसेंट क्या है? इधर एडजेसेंट ब्रेथ है. ब्रेथ इज एडजेसेंट. अब तू बोल पेरीमीटर क्या आएगा. अभी तो तू बोल पेरीमीटर क्या आएगा और एरिया क्या आएगा. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या? एरिया का फॉर्मूला क्या फॉर अ रेक्टेंगल? पेरीमीटर क्या आएगा रेक्टेंगल का और एरिया क्या आएगा? कमॉन, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? आउटर बाउंड्री को ऐड करो. आउटर बाउंड्री को ऐड करो. ऐड करो आउटर बाउंड्री को. पेरीमीटर का फॉर्मूला है एल एल बी बी. पेरीमीटर का फॉर्मूला है दो बार एल दो बार बी टू कॉमन एल प्लस बी. करेक्ट और नो? टू लेंथ. लेंथ इज व्हाट? लेंथ इज व्हाट? 8. ब्रेथ 6. ब्रेथ 6. तो क्या मिलेगा? 8 plus 6 14. तो पेरीमीटर 28 मीटर. एरिया तो बोल तो अब क्या आएगा? एरिया इज व्हाट? एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, करेक्ट. एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ.
करेक्ट है. सो लेंथ इनटू ब्रेथ. अदर्स रिप्लाई करेक्ट. एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इज 8, ब्रेथ इज 6. 48 मीटर स्क्वायर. याद है एरिया 2D है. एरिया 2D है करके 48 मीटर स्क्वायर लिखना है. करेक्ट. मीटर स्क्वायर नहीं लिखेगा तो मार्क्स करेगा. करेक्ट.